अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज्यादा खाना और अकल घटाना, आप सबने फास्टिंग का नाम तो सुना होगा। क्या आप जानते हैं फास्टिंग यानी दो खानों के दरमियान वक्फे को बढ़ाना हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए किस कदर फायदेमंद साबित हो सकता है? ये ऐसा ही है जैसे हम रमजान मुबारक में रोजों का एहतमाम करते हैं और हमारा दो खानों के दरमियान जो वक्फा है, जो दरानिया है, वो तकरीबन 15 घंटे तक का बढ़ जाता है। जदीद साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि फास्टिंग के बेशुमार फायदे हैं और इनमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का खात्मा सरफरिस्त है, और उसके बाद फास्टिंग हमारे जिस्म में नर्व रीजनरेशन को प्रमोट करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस काम पे मजीद रिसर्च की है और हम इस वीडियो में देखेंगे कि फास्टिंग या दो खानों के दरमियान वक्फा बढ़ाने से हमारे जिस्म में ऐसे कौन से मेटाबोलाइट्स या केमिकल बनते हैं जो हमारे जिस्म में सोजिश को खत्म करते हैं और नर्व को रीजनरेट करते हैं, उसको उस प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं। और याद रहे, यही नर्व हमारे जिस्म के सारे कम्युनिकेशन निजाम को कंट्रोल करती है। हमारी याददाश्त, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, कॉग्निटिव फंक्शन भी यही परफॉर्म करती है। फास्टिंग के दौरान जब हम एक तवील वक्त के लिए कुछ नहीं खाते तो हमारे जिस्म के अंदर एरेक्टोनिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इसका लेवल हमारे जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाता है। एरेक्टोनिक एसिड हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को कम करने में मददगार साबित होता है। सोजिश हमारे जिस्म का एक दफाई रद्द अमल है, लेकिन बाज़ुकात ये बिलावजह भी पैदा हो सकती है, जो मोटापा, दिल की बीमारियां, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे अमराज का सबब बन सकती है। इसके बरक्स जब आप एक लीमर से तजावुज करेंगे और बार बार खाएंगे तो एक डिफरेंट पाथवे हमारे जिस्म में चलेगा और इसी एरेक्टोनिक एसिड से कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो हमारे जिस्म में सोजिश इन्फ्लेमेशन का बायस बनते हैं, तो हर चीज की ज्यादती नुकसानदा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सोजिश हमारे जिस्म में होती क्यों है? दरअसल हमारे जिस्म में एक NLRP3 इन्फ्लेमासोम नामी प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है जो जिस्म में सोजिश पैदा करता है। ये कम्प्लेक्स बुनियादी तौर पर एक अलार्म की तरह काम करता है जो जिस्म के किसी हिस्से में नुकसान या इन्फेक्शन को महसूस करके सोजिश को फाल करता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये अलार्म गैर जरूरी तौर पर एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जिस्म में बिला वजह की सोजिश पैदा कर देता है। और इसी तरह फास्टिंग करने से हमारी गट यानी हमारी आंतों में कुछ अच्छे बैक्टेरिया जैसा कि क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजी एक मेटाबोलाइट पैदा करते हैं जिसका नाम है इंडोर प्रोपियोनिक एसिड, और ये इंडोर प्रोपियोनिक एसिड हमारी नर्व रीजनरेशन में हेल्प करता है। यानी हमारे वो नर्व सेल जो कुछ न्यूरोडीजनरेटिव डिजीजेस जैसा कि पार्किंसन या अल्जाइमर की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो ये इंडोर प्रोपियोनिक एसिड उनको रिपेयर करता है, उनको रीजनरेट होने में मदद फ्राहम करता है। और याद रहे कि जो लोग पार्किंसन या अल्जाइमर डिजीज में मुबतला है, उनके सोचने समझने की सलाहियत, उनकी याददाश्त और उनके पास जो अल्फाज का जखीरा है वो खत्म होता जाता है और उनके उनको बात करने में भी मसले पेश आते हैं। हमारी खुराक ज्यादा कैलोरीज, चटनाई और शुगर पर मुश्तमिल होती है और ये हमारी सेहत के लिए बहुत से मसले पैदा कर सकती है। जैसा कि इस किस्म की खुराक हमारे जिस्म में NLRP3 इन्फ्लेमासोम की सरगर्मी को बढ़ाती है जिससे सोजिश पैदा होती है, और ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी कंडीशन का बायस बन सकती है। और आखिर में आप मुख्तलिफ औकात में फास्टिंग करके अपने जिस्म में एरेक्टोनिक एसिड और इंडोल प्रोपियोनिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको जिस्म में सोजिश को कम करने में मदद मिलेगी और जो न्यूरोडीजनरेटिव प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा और आपकी याददाश्त बढ़ापे में भी आपका साथ देगी। और मजीद ये कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसने सेहतमंद जिंदगी गुजारने के तमाम असूल बताए हैं। हदीस मुबारका भी है, जब भी आप खाएं तो अपने स्टमक का एक हिस्सा खाने से भरें, एक हिस्सा पानी से भरें और एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ दें। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आपका निजाम अच्छा है तो आप सेहतमंद हैं, अगर ये खराब हुआ तो आपकी सेहत भी खराब होगी।